अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16, वाटर। एंड इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर साइकिल, ड्राफ्ट एंड फ्लड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट टू अवर चैप्टर। वाटर अ नेचुरल रिसोर्स। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर। अबाउट 97% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन ओशन, बट इट्स सेलीन। ओनली 3% ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर अबाउट वाटर। वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। दे आर मेनी अदर रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट ऑन अर्थ लाइक मिनरल्स, एयर, सो वाटर इज़ वन ऑफ दैम। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस किससे है कवर? वाटर से, विच इज़ प्रेजेंट इन, कहाँ कहाँ पर पानी प्रेजेंट है? ओशन, रिवर्स, सी, पॉन्ड। 97% ऑफ वाटर जो ओशन में है वो सेलीन वाटर है, नमकीन वाटर है, जिसे हम पी नहीं सकते। सिर्फ 3% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। और फ्रेश वाटर की सोर्सेज क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, लेक्स, रिवर, ठीक है। लेकिन ये भी जो फ्रेश वाटर है ये क्या है? ड्यू बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड सीवेज दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, सेम इज़ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल। द ह्यूमन बॉडी इज़ अबाउट 70% ऑफ वाटर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हम पानी के बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकते। सो इट इज़ यूज़फुल फॉर अस एज वेल एज़ फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, इवन टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। सो पानी के बहुत ज़्यादा यूजेज़ हैं। इवन कि हम ट्रांसपोर्टेशन में भी पानी को ही इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ी बड़ी शिप जो चीज़ें अशिया लेके जाती है एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, तो ये भी थ्रू क्या है, किसके ज़रिए होता है? वाटर के। सो इट हैज़ मैनी यूजेज़। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल्सो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट टू ग्रो। सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, रिवर, लेक, स्ट्रीम्स, ओशन एंड सीज एंड ग्राउंड। पानी हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, लेकिन जैसे ये एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाती है तो रेन क्या वो पॉल्यूट हो जाती है। इट कंटेन्स हार्मफुल गैसेज विच मेक्स दिस एसिडिक। जो पानी दरिया में, लेक्स, पॉन्ड्स, वहाँ पर जो पानी इकट्ठा होता है उसे हम सरफेस वाटर भी कहते हैं। ये पानी मोस्टली गंदा हो जाता है बिकॉज ऑफ द सीवेज और जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा होता है इसकी वजह से। सो इसे हम पी नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेज आफ्टर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ओशन एंड सीज। स्टूडेंट, जो समुद्र का पानी होता है दैट इज़ सेलीन, उसमें बहुत ज़्यादा नमकियात होती है। सो उसको हम डायरेक्टली जो है पीने के लिए इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्राउंड वाटर। स्टूडेंट, ग्राउंड वाटर भी एज अ फ्रेश सोर्स है पानी के लिए। ये ज़मीन से खुदाई करके जो पानी निकाला जाता है, ट्यूबवेल्स, वेल, सो इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। वाटर साइकिल। वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सर्फेस ऑफ द अर्थ गोज इन टू एयर एज वेपर, रिटर्न एज एयर, हेल और स्नो, एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशन। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज वाटर साइकिल। स्टूडेंट्स, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दिस साइकिल बाई लुकिंग एट द फिगर। स्टूडेंट्स, एवेपोरेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, रिवर्स, इनसे पानी ऊपर बुखारात बन के उठता है। और जो ट्रांसपायरेशन है वो प्लांट्स और ट्रीज जितना भी एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर वो देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। वाटर वेपर ऊपर गए थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड एवेपोरेशन, ये क्या बनाते हैं? बादल बनाते हैं। सो द क्लाउड फॉर्मेशन इज़ व्हाट कंडेंसेशन इज़। वो बादल फिर क्या बरसाते हैं? बारिश बरसाएंगे या स्नोफॉल, एंड दैट प्रोसेस इज प्रेसिपिटेशन। जो पानी ऊपर गया था फ्रॉम ओशन वो दोबारा इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेनफॉल वो वापस आ जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो थ्रू आउट चलता रहता है। स्टूडेंट्स, लेट मी समराइज इट फॉर यू। बेसिकली क्या होता है? फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक ओशन, रिवर्स, वाटर गोज अबव इन द फॉर्म ऑफ एवेपोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन, एंड देन कंडेंसेशन हैपन्स, मीन क्लाउड्स आर फॉर्म, एंड देन दीज क्लाउड्स गिव रेनफॉल, स्नोफॉल, दैट इज प्रेसिपिटेशन। देन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो इट गोज बैक टू द ओशन। सो दिस इज वाटर साइकिल, कंटिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन लैंड एंड ओशन। फ्लड्स। सच अ लॉन्ग पीरियड व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन इज नोन एज ड्राफ्ट। स्टूडेंट्स, गर्मियों में ज़मीन ज़्यादा हीटअप की वजह से खुश्क हो जाती है, तो दरियाओं का, तालाब का पानी भी सूख जाता है। जब बारिश कम हो या बिल्कुल ना हो तो ऐसी कंडीशन को हम ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। जब पानी नहीं होगा तो लोग फसलें भी नहीं उगा सकेंगे, एंड दिस लेड्स टू पॉवर्टी। पानी और खुराक की कमी की वजह से इंसान और जानवर दोनों मुतासर होते हैं। तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर पीपल एंड एनिमल्स स्टार्टेड टू डाइंग। तो इस कंडीशन को हम फेमिन कहते हैं। When the water rises above the banks and spread over large areas, such a condition is called flood.
हमारे मुल्क में हैवी रेनफॉल मानसून के सीज़न में होता है। फ्लड बेसिकली है क्या, पानी का लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है दरियाओं में, समुद्रों में, ठीक है, वो पूरे एरिया को अपनी लपेट में ले लेता है। इस कंडीशन को हम फ्लड कहते हैं। फ्लड से ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स, एनिमल सब मुतासर होते हैं। हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, फसलों का सिस्टम, ये सब जो है डैमेज हो जाते हैं। पानी भी गंदा हो जाता है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। साफ़ पानी में जब हर जगह गंदा पानी मिलेगा, मिक्स होगा, तो इट कॉजेज डिजीज़ लाइक डायरिया, मलेरिया, डेंगी। स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न, शॉर्टेज ऑफ वाटर कॉज ड्रॉप एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर कॉज फ्लड्स। वाटर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ वाटर केयरफुली। वी शुड ट्राई टू यूज़ मिनिमम वाटर फॉर अवर डेली नीड्स एंड ऑल केयर शुड बी टेकन टू सेव वाटर एंड प्रिवेंट इट्स वेस्टेज। सो स्टूडेंट्स, वी नो के वाटर बेसिक नेसेसिटी है हमारी लाइफ की, हमारा पानी के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन हमें इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो पानी की जो ज़रूरत है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाई डे। सो वी शुड यूज़ वाटर वेरी केयरफुल, पानी को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एंड यू शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। रेन वाटर हारवेस्टिंग, टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़ इज़ कॉल्ड रेन वाटर हारवेस्टिंग। मेजर टेक्निक आर यूज टू सेव रेन वाटर। रेन वाटर इज़ कलेक्टेड ऑन द रूफ टॉप इन अ स्टोरेज टैंक। पानी को जमा करना ताकि फर्दर हम उसको यूटिलाइज कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, उसे रेन वाटर हारवेस्टिंग कहते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, टैंक्स ऑन द रूफ टॉप, छतों पे टैंक में पानी स्टोर किया जा सके वो थ्रू पाइप्स ग्राउंड में चला जाए, या फिर अंडरग्राउंड टैंक्स, रोड साइड ड्रेन है जहाँ पानी का बारिश जमा हो सके फॉर फर्दर यूज़, आगे इस्तेमाल में लाया जा सके इरीगेशन के लिए। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट नाउ, दैट वॉज सो ईजी, ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, इट्स सोर्स एंड हाउ टू कंजर्व वाटर। Hope you understand it well. Thank you for watching. Allah Hafiz.